कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केजरीवाल को कई शर्तों के आधार पर जमानत देने का आदेश जारी किया। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी भी नहीं लगाई है। वहीं केजरीवाल को जमानत मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी ने खुशी जाहिर की है। सीएम केजरीवाल जब अपने आवास पर पहुंचे तब पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। दरवाजे पर उनकी पत्नी सुनीता ने उनकी आरती उतारी और माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए और गले लगकर भावुक हो गए। इस दौरान पार्टी ने कहा कि यह सत्य की जीत है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत भी बताया। इसके साथ ही पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं अन्य दलों के नेताओं ने भी केजरीवाल की बेल पर खुशी जाहिर की है। दरअसल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि लोकसभा चुनाव 5 साल में होने वाली एक अहम लोकतांत्रिक घटना है। कोर्ट को अंतरिम जमानत देने से पहले एक पहलू पर विचार करना था। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो समाज के लिए खतरा नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत देने का आदेश सुनाया। आदेश में कहा गया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं आएंगे, वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि किसी आदेश पर दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी हासिल करने के लिए उनके हस्ताक्षर की ज़रूरत ना हो। केजरीवाल अपने खिलाफ चल रहे मौजूदा केस के बारे में कोई बयान नहीं देंगे और केस से जुड़े गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि केजरीवाल अपनी सियासी गतिविधियाँ जारी रख सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव पर केजरीवाल की रिहाई का क्या असर पड़ने वाला है? फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 3 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, अभी 4 चरण बाकी हैं। आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 2 राज्य दिल्ली और पंजाब में अभी मतदान होना है। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है। यहां से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टियाँ इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ 1 जून को मतदान है। इन दोनों राज्यों के अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ दिल्ली के साथ 25 मई को चुनाव होना है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई आप, विपक्ष और पूरे चुनाव पर असर डालेगी। हालांकि उनकी पार्टी और इंडिया ब्लॉक इसे कितना भुना पाएगी ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे।